वेलकम टू मोरियास ट्यूटोरियल। इस दुनिया में एक्टिव कौन नहीं रहना चाहता। शरीर में चुस्ती फुर्ती हो तो कोई भी काम करने में मन लगा रहता है। इसीलिए तो हम हमारी दिन की शुरुआत करते हैं चाय या कॉफ़ी से। चाय या कॉफ़ी पीते ही एक अलग सी एनर्जी मिलती है जो दिन भर हमें एक्टिव रखती है। और ये अलग सी एनर्जी हमें मिलती है कैफीन, जो कि चाय या कॉफ़ी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही ब्रेन को एक्टिव करने वाले ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, स्टिमुलेंट्स एंड न्यूट्रोपिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं स्टिमुलेंट्स की डेफिनेशन। तो स्टिमुलेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं जो CNS को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन भी दो टाइप से होगा, या तो फिजिकल या मेंटल या फिर दोनों एक साथ। ये ड्रग्स वर्किंग स्पीड बढ़ाएंगे और डिप्रेशन में के अपोजिट काम करते हैं। साथ ही में ये ड्रग्स आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं और इसीलिए इनको यूज़ करते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपने देखा होगा जो बच्चे एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। वैसे तो सारे बच्चे कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बच्चे पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दैट इज़ कॉल्ड ADHD। नेक्स्ट है नार्कोलेप्सी। खैर, नींद तो सभी को प्यारी है, लेकिन जो दिन में भी बिना वजह सोए और हमेशा नींद में रहे तो प्रॉब्लमेटिक है। नार्कोलेप्सी एक क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है। तीसरा है डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट है, इसीलिए स्टिमुलेंट्स ओकेजनली डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। फर्स्ट क्लास है कन्वल्जेंट्स, जिसके एग्जांपल है स्ट्रिचनिन, पिक्रोटॉक्सिन, बिकुकुलिन एंड फिनिलिन टेट्राजोल। आफ्टर दैट एनालेप्टिक्स एग्जाम्पल है डॉक्सापराम एंड लास्ट क्लास इज साइकोस्टिमुलेंट्स। एग्जाम्पल्स आर एम्फेटामाइन, मिथाइल फेनिडेट, ऑटोमोक्सेटिन, मोडाफिनिल, कोकेन एंड कैफीन। आगे सभी क्लासेस को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है कन्वल्जेंट्स। मोस्टली ये ड्रग्स ह्यूमन के लिए सेफ नहीं, क्योंकि ये कन्वल्जेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका यूज़ एक्सपेरिमेंटल एनिमल पर किया जाता है। जो कन्वर्जन ये प्रोड्यूस करते हैं वो सिमिलर होते हैं एपिलेप्टिक अटैक जैसे, इसीलिए इनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के इवेल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। कन्वर्जन में फर्स्ट ड्रग है स्ट्रिचनिन। ये एक अल्कलाइड है जो नक्स वोमिका सिर से मिलता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये ब्लॉक करता है पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन को। अगर ग्लाइसिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हुआ तो वहाँ स्टिमुलेशन होगा और बार बार सोडियम आयंस इन्फ्लक्स होंगे। नेक्स्ट है पिक्रोटॉक्सिन। ये केमिकल कॉन्स्टेंट है एनामिरटा कोकुलस के फ्रूट्स का। ये एक क्लाइंबिंग प्लांट है जो कि साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में पाया जाता है। पिक्रोटॉक्सिन गाबा रिसेप्टर पर बाइंड होगा और क्लोरिन चैनल ओपनिंग को प्रिवेंट करेगा। इसके पहले हमने डायजेपाम का मैकेनिज्म पढ़ा है सिडेटिव हिप्नोटिक्स में, ये उसके अपोजिट है। नेक्स्ट ड्रग है बिकुकुलिन। ये एक सिंथेटिक कन्वल्जेंट है और इसकी एक्शन सेम है पिक्रोटॉक्सिन की तरह। आफ्टर दैट फिनिलिन टेट्राजोल। ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है और मोस्टली यूज़ करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के स्टडी के लिए। अगर आपने कोलॉजी के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे या फिर करेंगे तो उसमें PTZ मेथड है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के लिए, जिसमें एनिमल पर कन्वर्जन इसी ड्रग को यूज़ करके लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है एनालेप्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ये कैटेगरी के ड्रग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है डोक्सापराम। ये ड्रग्स स्पेशली मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि ब्रेन में है उसे स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही में ये एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी कीमोरिसेप्टर्स जो कि सेंसरी सेल्स है जो बॉडी केमिकल चेंज की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर स्पेशली CO2 की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेंगे। लास्ट क्लास है साइकोस्टिमुलेंट्स में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फेटामाइन और मिथाइल फेनिडेट की। तो ये दोनों ड्रग्स
नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का रिलीज इंक्रीज करते हैं, जो कि स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों ही ड्रग्स मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मिथाइलफेनिडेट ADHD में बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। साथ ही में हम इसे अडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिप्रेशन, डिमेंशिया और ओबेसिटी में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ड्रग है ऑटोमोक्सेटिन। ये नॉरएड्रेनालिन रिअपटेक इनहिबिटर है। इसका मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये नॉरएड्रेनालिन इफ़ेक्ट शो करेगा। ये ड्रग ना तो पूरी तरीके से CNS स्टिमुलेंट है, ना तो एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन ADHD में कॉन्सेंट्रेशन स्पैन और बिहेवियर इम्प्रूव करता है। आगे है मोडाफिनिल। ये न्यू साइकोएक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग है। मोस्टली इसे नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स यूज़ करते हैं, ताकि वो रात में भी अलर्ट रह सके और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये दोनों तरह से पर्सन को अवेक रखता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। एक तो ये नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का रिअपटेक भी इनहिबिट करेगा और साथ में ग्लूटामेट और गाबा को कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेगा। नेक्स्ट आते हैं उस ड्रग पर जिससे हमें आज का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, कैफीन। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला साइकोस्टिमुलेंट है। एडिनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है, नेचुरली सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है जिसके CNS पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये CNS पर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तब न्यूरोनल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, पर्सन स्लीपी फील करता है। कैफीन एडिनोसिन की एक्शन को उसके रिसेप्टर पर ब्लॉक करता है, साथ ही में ANS के कुछ पोर्शन को भी स्टिमुलेट करता है। आगे इस ड्रग को हम डिटेल में देखते हैं, तो बढ़ते हैं कैफीन की फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की तरफ। तो ये CNS को स्टिमुलेट करता है, अलर्टनेस इम्प्रूव करेगा, परफॉर्मेंस और मोटर एक्टिविटी को। हाई डोज पे ये नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इनसोमनिया, एक्साइटमेंट शो करेगा, और एकदम ज़्यादा डोज पे ये पेशेंट को डिलीरियम या फिर कोमा में भी ले जा सकता है। आगे देखेंगे हम कि काइनेटिक्स में ये ड्रग्स पुअरली वाटर सोल्यूबल है, और ओरली अगर लिया जाए तो फास्ट एब्जॉर्ब होता है GIT से, लीवर में मेटाबोलाइज होता है मेनली डीमिथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन से, और नॉर्मली एक्सक्रीटेड होता है थ्रू यूरिन। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, नौशिया, वोमिटिंग, और इसीलिए इसे हम पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं करते। कैफीन की फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर प्रोलॉन्ग हुई तो वही उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ये मेनली यूज़ करते हैं जैसे कि एनाल्जेसिक के साथ मिक्सर करके सर दर्द में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, माइग्रेन में भी इसे यूज़ करते हैं अर्गोटामिन के साथ, और प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में भी इसे यूज़ करते हैं। फिर और आगे देखते हैं, लास्ट ड्रग है स्टिमुलेंट्स में कोकेन। ये भी सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, जिसके कारण ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी एक्शन शो करेंगे। आगे देखते हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला इफेक्ट है, ये आपको इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि ये ड्रग्स एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं ड्यू टू एनोरेक्सिया। ये इफेक्ट ओबेस पर्सन के लिए फ़ायदेमंद भी है, और इसीलिए स्टिमुलेंट्स ड्रग्स ओबेसिटी में यूज़ भी करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी दुबला पतला है उसके लिए ये हानिकारक भी है। और भी ऐसे इफेक्ट्स हैं जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स, हाइपरथर्मिया यानी गर्माहट महसूस होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम होना, पैरानोइया दैट इज द मिसट्रस्ट टू अदर पीपल्स, और लास्ट में आता है
मूड डिस्टर्बेंसेस, यानी कभी आप हैप्पी रहेंगे या कभी गुस्से में। नाउ मूव टूवर्ड्स द अनदर टर्म दैट इज नोट्रोपिक्स, ऑल्सो कॉल्ड कग्निशन एनहांसर्स। ये ड्रग्स स्टिमुलेंट से अलग है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये ड्रग्स इम्प्रूव करेंगे कग्निशन फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉग्निशन फंक्शन मीन्स वॉट। तो जानते हैं कॉग्निशन के बारे में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी सीखते हैं, नॉलेज गेन करना, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, सोचना, समझना, याद करना, पहचानना, किसी बात पर राय देना, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अलग अलग भाषाओं को शामिल करना, कल्पना करना, अनुभूति करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, मोटिवेशन, ये सब कुछ हमारा कॉग्निशन फंक्शन है। मोस्टली न्यूट्रोपिक्स यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, नार्कोलेप्सी एंड अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर हम स्पेशली जानते हैं अल्जाइमर डिसीज़ में होने वाले डिमेंशिया की। सिंपली कहा जाए तो डिमेंशिया का मतलब है मेमोरी लॉस। डिमेंशिया में मेनली न्यूरॉन्स का डिटेरियोरेशन होता है। इस वजह से जो आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ है, लाइक योर मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, जजमेंट, इनका भी इन लॉस हो जाता है। और साथ ही में सोशल स्किल्स, कंट्रोल ऑफ इमोशंस, ये भी लॉस हो जाते हैं। लेकिन डिमेंशिया में हमारा कॉन्शियसनेस और हमारी मोटर फंक्शंस जैसे के वैसे रहते हैं। डिमेंशिया के जो मेन कॉजेस है वो है एजिंग, अल्जाइमर्स डिसीज़, ट्रांजिएंट इश्चिमिक अटैक्स, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स या फिर स्ट्रोक। बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो फर्स्ट क्लास है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, या फिर कहेंगे कि एंटीकोलिन स्ट्रेस ड्रग्स, जैसे कि एग्जांपल है टैक्रीन, रिवास्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन। नेक्स्ट क्लास है ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, एग्जांपल इज मेमांटिन। और मिसलियंस में आते हैं सेटाम फैमिली की ड्रग्स, जैसे कि पिरासेटाम और जिंको, बाइलोबा और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि पिरिबेडिल, पायरिटिनॉल, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन। ये सारे ड्रग्स एक्ट करते हैं ब्रेन की तरफ, ब्लड फ्लो इंक्रीज करके, न्यूरोट्रांसमीटर इन्हांस करके, नर्व ग्रोथ बढ़ा के और सेरिब्रल फंक्शंस को इम्प्रूव करके। अब हर एक एग्जांपल को डिटेल में देखते हैं, जैसे कि कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ACH लर्निंग और मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं टैक्रीन, जो कि अब यूज़ नहीं करते उसके हिपेटोटॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट के कारण। नेक्स्ट ड्रग है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स में रिवास्टिग्मिन। ये है कार्बामेट डेरिवेटिव है फाइसोस्टिग्मिन का। दोनों एंजाइम को इनहिबिट करता है, जैसे कि ट्रूकोलिन स्ट्रेज एंड सुडोकोलिन स्ट्रेज। ये कार्बामिल रेसिड्यू को कोलिन स्ट्रेज में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण ACH का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ACH काम कर सकता है। इसके यूजेस है, जैसे कि सभी सीवेरिटी के अल्जाइमर्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है और साथ ही में डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशन में भी इससे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है डोनेपेजिल। ये रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेज है और जो इम्प्रूवमेंट ये लाता है ये 2 साल तक उसे मेंटेन करता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 70 आवर्स है। नेक्स्ट ड्रग है गैलेंटामाइन। ये एक नेचुरल अल्कलाइड है और सेम सेरिब्रल कोलिन स्ट्रेज को इनहिबिट करता है और निकोटिनिक रिसेप्टर अगोनिस्ट भी है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, दैट इज़ द मेमांटिन, जो कि ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है।
अल्जाइमर के साथ साथ इसे पार्किंसंस में भी यूज़ करते हैं। इसकी जो एडवर्स रिएक्शंस है उसमें आता है कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस, हेडेक एंड ड्राउजीनेस एक्सेट्रा। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रग इज़ पिरासेटाम, जो कि एक मस्कर्निक अगोनिस्ट है और NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर पर भी एक्ट करता है। और लास्ट ड्रग है हमारा जिंको बायलोबा। इस प्लांट में जिंको फ्लेवान ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे यूज़ करते हैं कई बिहेवियरल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में, MID में यानी कि मल्टीपल इन्फार्क्ट डिसीज़। इसके एडवर्स रिएक्शंस हैं जैसे कि GIT अपसेट, अरिदमिया एक्सेट्रा। यहाँ पर न्यूट्रोपिक भी फिनिश होता है और आज का हमारा टॉपिक भी। तो ऐसे ही जुड़े रहे मौर्यास ट्यूटोरियल के साथ और नए टॉपिक्स के बारे में सीखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे और समझे तो लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए थैंक यू।